कई महात्माओं का ऐसे भी मत है कि जो गांठ खोल सकते हो उसको काटनी नहीं चाहिए, उसको काटनी नहीं चाहिए। किसी ने पूछा कि भाई बड़े लोभी हो, रस्सी को काट दे तो तुम्हें क्या तकलीफ है? बोले नहीं, रस्सी जो काट दो तो रस्सी फिर आगे काम में नहीं आएगी, रस्सी बच जाए तो कभी किसी और को बांधने में काम में आएगी ना। तो एक तो ज्ञान मार्ग से जीवात्मा रस्सी को काटकर मुक्त हो सकता है, बाकी गांठ तो दो है, ये हम आगे भी देख चुके, एक अहमता की, दूसरी ममता की। इसको खोलना है, इसको खोलना है। पितामह भीष्म ने भीष्म स्तुति में 11वां और 12वां जो श्लोक है इसमें उन्होंने मार्गदर्शन बताया है। एक तो अहमता है, एक ममता है। अहमता यानी मैंने किया, तो इसमें क्या करना है? जो कुछ हो रहा है, जो भी मेरे सत्कृति भी मेरे हाथ से हो रही है, वो परमात्मा मेरे से करवा रहा है। इससे उल्टा स्वरूप है अहम कर्ता अहम भोक्ता, गीताकार ने बताया। तो अहम कर्ता अहम भोक्ता में नहीं जाना, मैं तो एक साधन हूं प्रभु का, मैं साधन हूं, कठपुतली हूं, दोरी तो उनके हाथ में है। तो अहमता से बच जाओगे। और ममता, ममता में बहुत सरल बात उन्होंने यह बताई है कि यहां कोई भी चीज सर्वप्रथम तो नित्य नहीं है, तो जो नित्य नहीं है वो किसी की हो भी नहीं सकती। यह फूल तो मुरझाने वाला ही है, बराबर ना? तो अब जब इसका नाश होने वाला है तो वो किसी का कैसे बन सकता है? वो तो है नहीं, कुछ समय के बाद, कल ये नहीं होगा, ये तो मुरझा जाएगा। जो अनित्य है वो नित्य नहीं हो सकता। तो तुम्हारी आंखों से आपको जो भी कुछ दिखाई देते हैं वो सब अनित्य है। जब अनित्य है तो वो तुम्हारा नहीं, तो मेरा मेरा को छोड़ दिया। ममता माने मेरा है। बहुत कठिन ओव है सिद्धांत, तो बहुत सरल है दिखता है कि भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी जब आचरण की बात आएगी ना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।